हेलो फ्रेंड्स, हम 12th में आने वाले 4 मार्क्स के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई ओप एंड इनविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल रिप्लाई जो होता है इनविटेशन का, उसमें केवल थर्ड पर्सन का उपयोग करते हैं, यानी ही सी इट दे नेम, इन्हीं के साथ हम इसको बनाते, इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है जैसे, यू आर मिस रानी कुमारी, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस रिया शर्मा टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ हर ब्रदर ऑन 31 जनवरी 2020 8 PM एट हर रेजिडेंस। और हमें लिखना क्या है, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ध्यान रहे, ये जो हम रिप्लाई भेज रहे हैं, इसमें इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, हमने स्वीकार किया है। आइए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप जो हो, आपका नाम इसमें रानी कुमारी आया है, तो आप सबसे पहले यहाँ लिख दें मिस रानी कुमारी। फिर जिसने भेजा है आपको, किसने भेजा है, रिया शर्मा ने, तो उसको आप थैंक्स लिखिए। तो मिस रानी कुमारी थैंक्स मिस रिया शर्मा। अब काय का इनविटेशन है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, फॉर हर काइंड इनविटेशन, ये हमें हमारी इच्छा से लिखनी है, फॉर हर काइंड इनविटेशन। बाकी और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो ये टू दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए, टू दिया हुआ है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिख देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, इनविटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ हर ब्रदर ब्रदर ऑन 31 जनवरी 2020 8 PM एट हर रेजिडेंस, ये यहाँ पे लिखा हुआ। टू अटेंड से लेकर रेजिडेंस तक हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब आप अगर वहाँ पर जा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने का है, तो एक लाइन हमें सिर्फ ये लिखनी है, सी एक्सप्रेसिस ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये लाइन हमें लिखनी है, कब लिखनी है, जब हमने वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। यदि आप नहीं जा रहे हो, उसको डिक्लाइन करना है, मना करना है, तो हमें ये लाइन, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन्स, ये लाइन हमें लिखनी है। और लास्ट में भी लिखना है, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड बेस्ट विशेज फॉर द सक्सेस ऑफ द फंक्शन, ये लाइन हमें कब लिखनी है, जब हमें वो मना करना है। क्या करना है, मना करना है, डिक्लाइन करना है उसको। तो वो ये यहाँ देखिए, ये जो रेजिडेंस हमने लिखा है इस जगह, यहाँ पर आप कोमा लगाकर और ये बट वाली लाइन लिख दें, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, और लास्ट में फिर आप ये लाइन लिख दें, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, ये लिख दें मना करने वाले में, और ये नहीं लिखें जो हमने एक्सेप्ट करने वाले में लिखी। इसमें एक्सेप्ट करने वाले में तो ये लिखें, और जो डिक्लाइन करने का है, जो अनेबल टू एक्सेप्ट, जिसमें मना करने का है, उसमें आप ये बट से लिख दें, ये लाइन पूरी लिख दें और यहाँ से बंद कर दें। दोस्तों, इसमें एक और प्रकार होता है, वो है इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई हमारे जैसे लेटर होता है, उसका ये शॉर्ट रूप होता है, छोटा रूप होता है। इसी प्रश्न को हम इनफॉर्मल भी बना कर देखते हैं। इनफॉर्मल में सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, 2B12 तलवंडी कोटा, 29 जनवरी 2020। अब देखिए, ये मिस रानी कुमारी आपको भेजा किसने है, रिया ने, तो आप उसको थैंक्स कहेंगे, तो यहाँ पे आपने लिख दिया डियर रिया। फिर ये लाइन लिख दें, आई एम रियली प्लीज टू बी इनवाइटेड बाय यू, और इसमें भी आप देखिए, यहाँ टू से और यहाँ तक का हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ, अब प्रश्न में आया है हर, तो इस हर को हमने किस में बदल दिया, योर में। हर को किस में बदल दिया, योर में, तो यहाँ क्या लिख दिया, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर ब्रदर ऑन, और वही डेट आ गई, वो टाइम आ गया, वो स्थान भी आ गया, और फुल स्टॉप लगा दिया।
फिर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ भी लिख दें आई विल डेफिनेटली कम एंड जॉइन यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन। ये लाइन आप ज़रूर लिख दें लास्ट में, योवर सिंसियरली रानी कुमारी। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपने यहाँ लिख दिया आई विल डेफिनेटली कम एंड जॉइन यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन। अगर इनफॉर्मल रिप्लाई में भी हमें मना करने वाला आया, डिक्लाइन वाला आया, तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने रेजिडेंस पे इसमें जोड़ा था, यहाँ पर रेजिडेंस में मना करने का, यहाँ पर हमने बट वाला जोड़ा था, बट रिग्रेट्स, ऐसे ही इसमें यहाँ पर रेजिडेंस के बाद में हमें क्या करना है, ये लाइन आई विल डेफिनेटली कम, क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं तो ये नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, मना करना है। तो इस जगह से आप क्या लिखोगे, ये लाइन लिख दोगे बट आई एम सॉरी टू से डेट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। आप यहाँ पर ये लिख देंगे और साथ में लिख देंगे आई विश फॉर द ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन। अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये लाइन हम ज़रूर लिख देंगे। इसे समझा देता हूँ, ये जो टू आता है वहाँ से लेकर और एटर रेजिडेंस या जहाँ का भी पता हो यहाँ तक आपको कॉमन लिखना है, चाहे रिप्लाई हमारा फॉर्मल आए चाहे इनफॉर्मल आए। आप देख लीजिए इसमें मैंने थिंग्स लिखा है और एक पोरर काइंड इनविटेशन लिखा है, बाकी इस टू से और यहाँ तक मैंने वो का वही लिखा है, कोई चेंज नहीं किया। केवल जा रहे थे तो ये लाइन लिख दी, नहीं जा रहे थे तो ये लाइन लिख दी। ऐसे ही इनफॉर्मल रिप्लाई में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमने ये लाइन लिख दी, बाकी वो यहाँ आप देख लीजिए टू से और यहाँ तक वैसा का वैसा ही, केवल जा रहे हो तो ये लाइन मैंने लिख दी है। यदि नहीं जा रहे हैं इसमें तो बट आई एम अनेबल टू सॉरी से लेकर रीजन और ये कि यहाँ पर आई विश फॉर द ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन, नहीं जा रहे हो तो ये लिखना है। तो कुल मिलाकर बहुत इजी तरीका है और आप इसको एक बार नहीं दो बार अच्छी तरह से समझ लीजिए और आप आराम से इसमें फुल जो 4 मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।